रोला ज्यादा नाटक नहीं समझे पता नहीं जानता कौन है खुशी टीवी सीरियल में ट्विस्ट लाना है तो किडनैपिंग का ट्रैक लाना मानो ट्रेडमार्क बन गया है। अब सीरियल कुमकुम भाग्य में ही देख लीजिए जहां पूर्वी जस्सी के चंगुल से तो निकलकर आरवी से अपनी शादी रचा ली है लेकिन उसकी मुसीबत अभी भी टली नहीं है क्योंकि उसकी बहन खुशी अभी भी गायब है जिसे लेकर आज पुलिस स्टेशन में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। आप भी जानना चाहते होंगे ना कि आखिर ये माजरा क्या है तो चलिए जानते हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। जो सालों से बंद पड़ी है उसी में। शादी के बाद खुशी मिल नहीं रही है। उसका हस्बैंड घर पे आता है और कहता है कि खुशी यहाँ है तो उसको भेज दो क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मुझसे नाराज़ है। पर हम उस समय हमें पता चलता है कि एक्चुअली खुशी है ही नहीं कहीं भी ना। हमें लगा था उसके पास है, उसे लगा था हमारे पास है। तो फिर हमारी भागदौड़ शुरू हो जाती है। हम पुलिस स्टेशन में आते हैं, पहले तो जस्सी के घर में चले जाते हैं। हमें लगता है कि वहाँ कुछ हुआ होगा बट जस्सी को भी पकड़ के लेके आते हैं और जस्सी तो मना करता है, बोलता है कि खुशी मेरे पास नहीं है। तो किसी को पता नहीं है खुशी, और खुशी ऐसी है ही नहीं कि वो सडनली बिना बताए चली जाए, ना उधर ना इधर। तो 100% फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसी ने शायद उसका किडनैप किया है। तो अब फाइनली एक थोड़ा सा एक रास्ता निकल आया है, किसी सत्येंद्र जैसे कोई बंदे को पकड़ा है और उसके मुँह से अभी जस्ट पुलिस ने उगलवाया है कि उसने उसको किडनैप करके किसी कोई माहिम के कोई फैक्ट्री में बंद करके रखा हुआ है। वैसे पिछली बार तो जस्सी की गलती से मिस्टेक की वजह से खुशी किडनैप हुई थी लेकिन इस बार कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है जिसके पीछे किसका हाथ है ये कोई नहीं जानता है। किसी पे भी शक नहीं है, जैसे मैंने कहा कि खुशी का किसी के साथ दुश्मनी है ही नहीं कोई। जैसे पूर्वी के केस में तो फिर भी जस्सी पे डाउट जाता था पर खुशी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी इतने अच्छे घर में है वो, उसका पति बहुत इन्फ्लुएंशियल है तो ऐसी बंदी को कोई किडनैप क्यों करेगा? क्या रीजन है कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं समझ आ रहा। बट फिलहाल बस खुशी मिल जाए फिर देखेंगे। वेल खुशी कहाँ है इस बात का पता तो पुलिस ने लगा ही लिया है जहाँ खुशी को बचाने के लिए पूर्वी और प्राचीन निकल भी चुके हैं लेकिन अभी भी ये सस्पेंस बरकरार है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। खैर वो पल ज्यादा दूर नहीं जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जिसे देखने के लिए आप सभी को शो के साथ यूं ही जुड़े रहना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।